गाइस आपने सिनेमैटिक शॉट देख लिया है, कितना अमेजिंग ये स्मार्ट वॉच है जिसका मैं आज आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। ये आता है माइक्रोवेयर ब्रांड की तरफ से W57 स्मार्ट वॉच, कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर के बॉक्स में है एंड इसका मैं आज आपको फुल अनबॉक्सिंग रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। सब चीज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि इतने ज्यादा फीचर्स है ना जिसको बता पाना शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को देख करके ना आप सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे एंड ये स्मार्ट वॉच को लेने का आपका मन 100% करने वाला है। माइक्रोवेयर 7 नॉट प्रो या फिर W57 जो स्मार्ट वॉच है वो है एप्पल वॉच सीरीज 7 का क्लोन। काफी अमेजिंग लुक के साथ आता है, बिल्कुल 100% जेरोक्स कॉपी लगता है एप्पल वॉच सीरीज 7 का। 45 mm का ये स्मार्ट वॉच है, ब्लैक कलर में मैंने परचेस किया है। चलो बिना देरी किए इसे अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ, फीचर्स पे आते हैं एंड फिर लास्ट में इसके कंक्लूजन पे आएंगे। तो ये रहा गाइज हमारे स्मार्ट वॉच, कुछ इस तरीके के व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स ओवरव्यू दूंगा, फिर बॉक्स कंटेंट देखेंगे क्या क्या मिलता है हमें अंदर देखने को एंड फिर इसके इन डेप्थ रिव्यू पे आएंगे। सबसे पहले बॉक्स पे आप देख सकते हो माइक्रोवेयर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। 7 नॉट प्रो इस स्मार्ट वॉच का नाम है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है W57 स्मार्ट वॉच के नाम से। अगर बॉक्स के नीचे साइड की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, जो इसके स्पेशल फीचर्स है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है। बॉक्स के ऊपर साइड पे देखें तो यहाँ पे 500+ वॉच फेसेस मेंशन्ड है, यानी कि आप हर दिन अलग अलग वॉच फेसेस लगाते रहो जब जब आपको चेंज करना है अपने चॉइस के हिसाब से एंड कभी भी आप बोर नहीं होने वाले हो। बॉक्स के लेफ्ट साइड में कलर मेंशन, ये मेरे पास ब्लैक कलर में, इसके और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है जो आप अपने चॉइस के हिसाब से परचेस कर सकते हो। एंड बॉक्स के राइट साइड पे आप देख सकते हो ये सीरीज 7 स्मार्ट वॉच है, 45 mm वाला आप देख सकते हो। बॉक्स के पीछे में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको एक QR कोड देखने को मिल जाएगा, M Active Pro नाम से ये कनेक्ट होता है, उसी ऐप का यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आपको बस ऐसा सेफ्टी रेगुलेशंस कुछ भी दिया गया है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक स्पेसिफिकेशंस इसके मेंशन है। तो चलो उठाते हैं बॉक्स को ऊपर और निकालते हैं हमारे मेन स्मार्ट वॉच को। ये रहा, तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमें मिल जाता है एक डॉक्यूमेंटेशन जो इस तरीके के फ्लैप स्टाइल में आपको दिया गया है एंड इसमें ना आपको अगर आप चाहोगे पढ़ना तो इसमें आपको चाइनीज में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आपको इससे इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट पे आपको ना वारंटी तक दिया गया है। यार क्या बात है, सही में यार इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको वारंटी दिया जाता है, लेकिन ये चीज़ दिक्कत है कि इंडिया में ये वारंटी वैलिड नहीं है। अगर आप चाइना का सिटीजन रहते तो वहाँ पे आप इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते थे। सो गाइस बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा स्मार्ट वॉच का डायल आपको देखने को मिल जाएगा, इसे निकालेंगे थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे इसके साथ एक ब्लैक कलर का स्ट्रैप दिया गया है जिसका क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा है देख करके। अगर इसे निकाल के हटाऊंगा ना तो नीचे आप देख सकते हो इसे चार्ज करने के लिए इसके अंदर कुछ पिंस को आपको बैठाना नहीं है, पिंस पे लॉक नहीं करना है, कुछ केबल नहीं लगाना है आपको, बस ये आपको जो मैग्नेटिक प्लेट देखने को मिल रहा है ना इसके ऊपर आपको स्मार्ट वॉच के डायल को प्लेस कर देना है। सो क्लोजर लुक मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ, देख सकते हो स्ट्रैप का क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है पकड़ने में। फुल डीप ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लॉक्स काफी अच्छे क्वालिटी के दिए गए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर आपको मेटल के लॉक्स दिए गए हैं। स्ट्रैप के फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, देखो काफी ज्यादा आपको सॉफ्टनेस मिलने वाला है। पहनने के बाद आपको एक काफी अच्छा सा फील आने वाला है इस स्मार्ट वॉच को पहनने के बाद। इसके साथ कोई अडेप्टर नहीं आता है क्योंकि इन स्मार्ट वॉचेस को ना आप अपने मोबाइल फोन से चार्जर से चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर आपको USB-A का पोर्ट दिया जाता है, तो चाहोगे तो इसे पावर बैंक में लगा सकते हो, अपने फोन के चार्जर से यूज कर सकते हो, लैपटॉप से चार्ज कर सकते हो, जिससे भी आपको चार्ज करना आप कर सकते हो। काफी लंबा सा वायर दिया गया है एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो एक ट्रू मैग्नेटिक प्लेट देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई भी आपको पिंस नहीं देखने को मिलता है, बस इसके अंदर आपको डायल को प्लेस कर देना है एंड वो चार्ज लेने लगेगा। पीछे आप देख सकते हो W57 का स्टिकर भी लगा हुआ है, यानी कि ये फुल्ली कस्टमाइज्ड है सिर्फ और सिर्फ इसी स्मार्ट वॉच के लिए। और डायल की बात करूं ना, फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन की बात करूं तो अच्छा खासा वेट देखने को लग रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको ना मेटल बॉडी देखने को मिल जाता है। इसका जो आपको साइड फ्रेम बॉडी देखने को मिलेगा ना वो फुल मेटल बिल्ड है एंड पीछे का भी आपको बॉडी, आगे का बॉडी ग्लास बिल्ड है, तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिखने वाला है ये स्मार्ट वॉच पहनने के बाद। तो बॉक्स के अंदर सारी चीजों को डालते हैं एंड आ जाते हैं मेन हमारे स्मार्ट वॉच के ऊपर। सो ये रहा गाइस हमारा डायल, चलो इसे निकालते हैं एंड अनरैप करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस तरीके से ये निकल जाएगा स्टिकर यहां से इसका। वाओ देखो, ओ माय गॉड क्या लुक के साथ आता है यार, आप देख सकते हो फ्रंट में आपको एक बहुत बड़े साइज का स्क्रीन देखने को मिल रहा है, बहुत बड़े साइज का डिस्प्ले है एंड इसके ऊपर आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जिसे इस तरीके से करके आप निकाल सकते हो क्योंकि ये बस सेफ्टी के लिए दिया जाता है, ये कोई ओरिजिनल स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, बस एक प्लास्टिक का रैप आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू पे आते हैं। आपको फ्रंट में एक बहुत ही बड़े साइज का 1.9 इंचेस का फुल एच2एच डिस्प्ले देखने को मिलता है, डीप ब्लैक कलर का। इसके ऊपर आपको एक फिल्म देखने को मिल जाएगा, इसे हटाएंगे कुछ इस तरीके से, पूरा बल्जी सा लुक आ रहा है, बाहर निकल करके आ रहा है, इस तरीके से लुक है इसका। अगर बॉडी साइड बॉडी की बात करें तो आपको साइड में ये फुल मेटल बिल्ड देखने को मिल जाता है, जो कि फुल ब्लैक नहीं है, गन मेटल ग्रे कलर में आता है एंड इस स्मार्ट वॉच को एक अलग सा बहुत ही यूनिक सा लुक दे रहा है। राइट साइड में बटन्स की बात करें तो सबसे पहले आपको क्राउन बटन देखने को मिलता है जो कि वर्किंग मिल जाएगा। माइक्रोफोन होल देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो, पावर बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड की ओर आपको स्पीकर का कटआउट देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर आप म्यूजिक सुन सकते हो, उसके अंदर आप ब्लूटूथ कॉलिंग भी कर सकते हो। ऊपर की ओर एंड नीचे की ओर आपको यहाँ पे ग्रूव्स मिल जाते हैं जिसके अंदर इसके स्ट्रैप्स जो है आराम से फिट हो जाएंगे। बैक साइड पे आ जाता है, बैक साइड पे भी आपको एक प्लास्टिक का फिल्म चढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा इसके सेंसर यूनिट के ऊपर। इस तरीके से इसे भी निकाल लेंगे, चलो। वाह 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 वाह, क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार। बैक साइड का डिजाइन आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ये जो आपको बैक मिलता है ना, ये भी आपको ग्लास बैक मिल जाता है एंड फ्रंट में भी आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं लाइक ब्लूटूथ वॉच, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज 7 का क्लोन है, 45 mm एल्यूमिनियम एंड सेरामिक केस, हार्ट रेट एंड इस तरीके के कुछ कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक स्टिकर चिपका हुआ है एंड सबसे अच्छी बात जो इस स्मार्ट वॉच को बाकी बजट स्मार्ट वॉचेस से अलग बनाता है ना, और स्मार्ट वॉचेस में क्या आता है ना, उसका स्लाइड करके निकालो, अगर आप स्ट्रैप डालोगे ना तो लूज होके फिर वो हिलने लगता है, फिर गिर जाता है। इसके अंदर आपको लॉक्स मिल जाते हैं ओरिजिनल एप्पल वॉच की तरह, जिसके अंदर स्ट्रैप्स आपकी लॉक हो जाएंगे, जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रैप्स को निकाल नहीं सकते हो। ये काफी ज्यादा इसके अंदर एक प्रीमियम फीचर दिया गया है। तो चलो गाइस इसके स्ट्रैप्स को इस पे लगाते हैं, देखते हैं कि स्ट्रैप्स लगने के बाद स्मार्ट वॉच कैसा लगने वाला है। ये जो ग्रूव वाला साइड रहता है ना, ये अंदर साइड की ओर लगेगा। ये जो लॉक वाला स्ट्रैप है ये हमेशा क्राउन बटन के साइड लगता है, तो इस तरीके से इसे यहाँ पे बस आपको स्लाइड करना है, आपको अच्छे से इसको इसके अंदर स्लाइड कर देना है। तो देख सकते हो गाइज स्ट्रैप लगाने के बाद, ऊपर वाला मैंने स्ट्रैप लगा दिया है, उसको लगाने के बाद ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा स्मार्ट वॉच लग रहा है एंड ये तब तक निकलेगा नहीं, खुलेगा नहीं जब तक इस बटन को आप प्रेस नहीं करोगे। जैसे आप प्रेस करके स्लाइड करोगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इससे क्या होता है, अगर आप रनिंग कर रहे हो, अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, जिम पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये इसके खुल के गिरने का डर नहीं है। जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक ये स्ट्रैप्स या डायल इससे अलग नहीं होंगे। तो चलो गाइस बिना देरी किए इस स्मार्ट वॉच को स्विच ऑन करते हैं। इस बटन को प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर एंड ये टर्न ऑन हो जाएगा एंड फिर इसके फीचर्स पे आएंगे एंड फीचर्स देख के तो आप पागल हो जाओगे। यहाँ पे एक आपको लोडिंग स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, इसे ऑन होने देते हैं। ये रहा गाइस हमारा स्मार्ट वॉच ऑन हो चुका है एंड सबसे पहली चीज जो आप देख करके जरूर शॉक्ड हो गए होगे, इसकी स्क्रीन साइज को। भाई एज टू एज लग रहा है कि कुछ बॉर्डर ही नहीं है, बेजल ही नहीं है। सच में आपको इसके अंदर जीरो बेजल देखने को मिल जाते हैं। आपको 1.9 इंचेस का इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बड़े साइज का एज टू एज डिस्प्ले एंड काफी ज्यादा बल्जी निकल करके इसका लुक आ रहा है, देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है। फुल डीप ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल जाता है एंड कलर्स एंड आप बाकी चीज देख सकते हो, कॉन्ट्रास्ट लेवल, हर चीज काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। अगर मैं व्यूइंग एंगल की बात करूँ तो हर एंगल से आपको इसके अंदर काफी अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। ये रहा, अगर मैं मेन्यू दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन का क्वालिटी आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाएगा। हर आइकन्स, हर चीज इसके अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है, 3D की तरह लग रहा है बिल्कुल। तो सबसे पहले स्मार्ट वॉच के UI पे आएंगे। स्मार्ट वॉच को अगर आपको स्क्रीन लॉक करना है तो बस इस बटन को दबा दो एंड इसका डिस्प्ले लॉक हो जाएगा। फिर अगर आपको ऑन करना है तो इसे एक बार प्रेस कर दो तो ये ऑन हो जाएगा। क्राउन बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे इसका मेन्यू ओपन हो जाता है। जैसे मैंने इसे प्रेस किया, इसका मेन्यू यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े आइकन आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एप्पल वॉच की तरह ये देखने को लग रहा है, सीरीज 7 का एकदम 2 कॉपी। इस क्राउन को अगर आप घुमाओगे ना तो इसके घुमाने से यहाँ पे इसके स्मार्ट वॉच फेसेस चेंज होते हैं। ये वाला फेस आप देख सकते हो बिल्कुल एनालॉग वॉच की तरह लग रहा है। अगर आप इसे रखोगे ना तो देख सकते हो कितना ज्यादा अमेजिंग लुक देने वाला है। कॉर्नर्स तक इसके स्क्रीन है तो हर एक आइकन, टेक्स्ट जो भी है इसके अंदर आपको बहुत ही कूल सा लगने वाला है देखने में। ये रहा, अलग अलग टाइप के कितने वॉच फेसेस मिलते हैं चलो आपको काउंट करके बताता हूँ। ये रहा 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर आपको 5 वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस अगर मैं राइट साइड की ओर स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी मोड देखने को मिलेगा। जैसे आप नीचे से ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेप काउंटर, कितना कैलोरीज आपने बर्न किया, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस आपने चला फिर अगर आप यहाँ से इसे राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटर देखने को मिलने वाला है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा जिससे इसे लाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक में इसका सेंसर ऑन हो जाता है एंड इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको रियल सेंसर मिलता है यानी थोड़ी देर में। एड विजेट्स के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, कैलकुलेटर भी इसके अंदर आ जाता है जिसको मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। बहुत लोगों का डिमांड था कि भाई कोई एक ऐसा स्मार्ट वॉच लेके आओ जिसके अंदर कैलकुलेटर भी हो, तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको कैलकुलेटर देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड की ओर एक बार स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का फीचर देखने को मिलता है जो मोस्टली आपको प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको वेदर डेटा शो करने वाला है, इसका आपको QR कोड मिल जाएगा जिससे आप इस ऐप से कनेक्ट कर सकते हो एंड साथ ही साथ नीचे में आपको 4 यहाँ पे ऐप्स नजर आएंगे, रिसेंट ऐप्स जो आपने रिसेंटली ओपन किया हुआ था। नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाएगा। अगर आपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रखा है, कुछ भी आपके फोन पे मैसेज या नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, आप यहाँ से आराम से रीड कर सकते हो एंड बगल में आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करोगे तो आपको फुल फ्लेज्ड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको डिस्कनेक्टेड का यहाँ पे एक साइन देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं है। सबसे पहले वाले ऑप्शन पर चलेंगे ना तो इसके अंदर आपको Alipay देखने को मिल जाता है। अगर आप चाइना सिटीजन रहते ना तो आप इससे स्कैन करके पेमेंट ले सकते हो किसी से भी। फिर यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस के लिए एक टॉगल मिल जाता है कम ज्यादा करने के लिए। अभी सबसे कम पे लेकिन फिर भी ब्राइटनेस इतना ज्यादा लग रहा है, अगर मैं फुल कर दूंगा ना तो आप देख सकते हो ब्राइटनेस देख के आप पागल हो जाओगे। 3 लेवल बैटरी यानी कि 75% बैटरी देखने को मिल जाएगा। ये आप ये ब्लूटूथ का ऑन एंड ऑफ स्विच है समझ लो। नीचे आपको QR कोड मिल जाएगा स्कैन करके कनेक्ट करने के लिए, नीचे आपको नो डिस्टर्ब मोड मिल जाएगा एंड फिर आपको आई बटन में यहाँ पे आपको सारे वॉच के डिटेल्स मिल जाएंगे एंड नीचे आपको अलार्म लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इतने सारे इसके क्विक शॉर्टकट्स थे, नोटिफिकेशंस थे एंड जो भी यूआई था वो मैंने आपको बताया। अब डिटेल में इसके एप्स एंड फीचर्स पे आएंगे। गाइस स्मार्ट वॉच का लुक इतना ज्यादा अमेजिंग है ना यार, मजा आ जा रहा है देख करके। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको रेस टू वेक का भी फीचर देखने को मिलता है। आप बार बार बटन दबा के टाइम नहीं देखना चाहते हो तो बस इसे ऊपर की ओर फ्लिप करना एंड इसके अंदर आपको स्क्रीन ऑन हो जाएगा एंड आप आसानी से टाइम देख पाओगे। फिर इस तरीके से आप ऊपर की ओर करोगे तो यहाँ पे इसका स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसे रेस टू वेक फीचर कहते हैं जो इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। चलो इसे अपने हाथ पे पहनते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे पहन सकते हो और पहनने के बाद आप देख सकते हो इतना ज्यादा बड़े साइज के इसका डायल आपको देखने को मिल जाता है ना। जब आप इसे पहनोगे एंड बाहर फ्लॉन्ट करोगे ना, कोई नहीं सोच पाएगा कि ये ओरिजिनल Apple Watch Series 7 नहीं है। इतना बड़ा स्क्रीन देखने को मिल जाता है, काफी कूल आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, डिस्प्ले फुल कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप इसे पहनोगे बाहर फ्लॉन्ट करोगे ना तो लोग देखते ही समझ जाएंगे कि Apple Watch है, लेकिन है नहीं, माइक्रोवेयर W57 है। लेकिन लुक वाइज काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाता है। इस तरीके से अलग अलग चॉइस के हिसाब से आप अपना यहाँ पे वॉच फेस लगा सकते हो एंड आपको बहुत ही सही इसका लुक मिलने वाला है पहनने के बाद। सो गाइज मैंने यहाँ पे स्मार्ट वॉच को पहन रखा है एंड यहाँ पे एक बीपी मॉनिटर मशीन है जिसके अंदर हार्ट रेट रीडिंग भी बताता है। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि किसके अंदर एक्यूरेट रीडिंग देता है। चलो हार्ट रेट को ऑन करते हैं एंड देखते हैं कि दोनों में कितना रीडिंग आता है। ये मैंने हाथ पे पहन रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। तो हमारे स्मार्ट वॉच में 75 का रीडिंग आ चुका है, 76 का। देखते हैं कि मॉनिटर के अंदर कितना आता है। तो इसके अंदर 94 का रीडिंग आ रहा है, यानी कि हमारा जो स्मार्ट वॉच है ना उतना एक्यूरेट नहीं है। ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है, ये रीडिंग एक्यूरेट देता है। तो यहाँ पे इसे मैं कहने वाला हूँ कि ये जो स्मार्ट वॉच है ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप इसे सॉफ्ट का फीचर कह सकते हो, लेकिन इन पे आप रिलाई नहीं रह सकते हो इनके रीडिंग्स पर। फिर इसके अंदर आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर ये सब देखने को मिलेगा। एक्टिविटी मोड के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वॉलीबॉल का, राइडिंग का, योगा का, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, पिंग पॉन्ग, इस तरीके से। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन है, जब आप इसे फोन को कनेक्ट करोगे अपने फोन को स्मार्ट वॉच के साथ तो उसके अंदर आप जो भी म्यूजिक प्ले करोगे इससे आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट, बैक कर सकते हो। इसके अंदर आपको कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे एज अ ब्लूटूथ शटर की तरह यूज कर सकते हो। वेदर के अंदर आपको वेदर डेटा शो करने वाला है, नोटिफिकेशंस के अंदर मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन शो होंगे। फोन का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है, तो जब आप इसे ऐप से कनेक्ट करोगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे ना तो आप इसके थ्रू किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हो। डायल पैड का ऑप्शन है, डायरेक्टली डायल भी कर सकते हो। वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन है यानी कि वॉइस सर्च, इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट से काम करेगा अगर आपका एंड्रॉइड फोन है, और अगर आपके पास आईफोन है तो इसके अंदर सीरी से ये वर्क करने वाला है। अलार्म लगा सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मोड दिया गया है, ब्रीदिंग के अंदर आप देख सकते हो टाइम सेट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप स्लो, मॉडरेट या फास्ट लास्ट में भी सिलेक्ट करके इसे रख सकते हो। कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत लोग चाहते हैं एक ऐसा स्मार्ट वॉच जिसके अंदर कैलकुलेटर का फीचर हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा सा आपको एक कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है सारे फीचर्स के साथ, प्लस माइनस डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हो, आराम से एग्जाम में चीटिंग करके धमाल मचा सकते हो। टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टॉप वॉच का फीचर देखने को मिल जाता है जिसे ऑन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना फास्ट तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिल रहा है इसके एनिमेशन पे, तो ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। माई कार्ड के अंदर आपको जो ये एप्स देखने को मिल रहे हैं ये एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के बाद पता चलने वाला है। रिसीट कोड के अंदर आप चलोगे तो एलीपे, क्यूक्यू, पेपाल, इनके अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच के थ्रू। फाइंड फोन का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्क्रीन ब्राइट हो जाता है। सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर आपको 8 स्मार्ट वॉच के मेन्यू स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 8 डिफरेंट आप यहाँ पे थीम कह लो या मेन्यू स्टाइल कह लो जिससे आप अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत ही ज्यादा कूल लगने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो 1 पे करूंगा ना तो आपको इस तरीके का लिस्ट स्टाइल देखने को मिल जाएगा, और अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं मेन्यू स्टाइल चेंज करने का तो आपको बस क्राउन बटन को प्रेस करते जाना है। तो सबसे पहले क्राउन बटन को डबल टैप करेंगे तो ये रहा इसका दूसरा मेन्यू स्टाइल आ गया ग्रिड वाला, फिर डबल टैप करेंगे ये रहा इसका इस तरीके का कुछ मेन्यू स्टाइल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 4 एप्स नजर आ रही हैं, कुछ स्क्वायर सा बॉक्स की तरह बन गया है, कुछ इस तरीके का मेन्यू स्टाइल देखने को मिलेगा थर्ड मेन्यू स्टाइल जो है। फिर डबल टैप करेंगे इसका फोर्थ मेन्यू स्टाइल आ गया जिसके अंदर आपको इस तरीके से सर्कल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वाओ यार, डबल टैप किया मैंने तो ये फिफ्थ वाला आ गया, इसे इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एप्स देखने को मिलने वाले हैं। ये रहा इसका सिक्स्थ मेन्यू स्टाइल जिसके अंदर आप इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा फीचर, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे नाम भी देखने को मिल रहा है, तो आप आसानी से यहाँ पे किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऐप्स वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मेन्यू स्टाइल, इसके अंदर आपको 3 का लिस्ट देखने को मिल रहा है, एंड फिर डबल टैप करके यहाँ पे आप करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक मेन्यू स्टाइल देखने को मिलता है। थीम के अंदर स्टाइल मैंने आपको दिखा दिया, इसके अंदर आपको मसाज का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप जैसे इसे ऑन करोगे ना ये वाइब्रेट करता है कुछ देर में, तो ये आपको मसाज भी कर सकता है। फीमेल पीरियड का ऑप्शन है, फीमेल्स के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल एक यहाँ पे है एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए। नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, सेटिंग्स के अंदर इतने सारे सेटिंग्स है कि आप कहोगे भाई ये स्मार्ट वॉच क्यों है, इसे स्मार्टफोन क्यों नहीं बना दिया आपने। स्टाइल का ऑप्शन मैंने बता दिया, लैंग्वेजेस बहुत सारे मिल जाएंगे जो भी आपको रखना है, हिंदी लैंग्वेज नहीं मिलता है। डिमिंग का ऑप्शन है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करने का, तो फुल पे रखते हैं अभी चलो। वाइब्रेट यहाँ से आप इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। यार बताओ, और स्मार्ट वॉचेस में ये फीचर मिलते हैं आपको, स्मार्टफोन में भी नहीं मिलते हैं वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने का। इससे अगर मैं फुल कर दूंगा ना तो काफी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन करेगा, और अगर मैं एकदम कम कर दूंगा तो हैप्टिक फीडबैक की तरह बहुत ही कम ये वाइब्रेट करने वाला है, हैप्टिक्स की तरह। नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन लाइट्स अप, यानी कि अगर आपके स्मार्ट वॉच में नोटिफिकेशन आएंगे तो इसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा कुछ देर के लिए, नोटिफिकेशन आएगा तो वाइब्रेशन भी होगा। तो यहाँ पे एक ऑन किया हुआ है, एक ऑफ ही रखा हुआ है मैंने। रिंगटोन सेट करने का ऑप्शन है, इसके अंदर आप रिंगटोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 रिंगटोन मिल जाएंगे, सैंपल आप सुन नहीं सकते हो, लेकिन रखने के बाद आपको अलग अलग टोन से कॉल आने वाले नोटिफिकेशन टोन सेलेक्ट कर सकते हो, अलार्म म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स एक स्मार्ट वॉच के अंदर अमेजिंग फीचर्स यार, आप सोच सकते हो ये स्मार्ट वॉचेस के अंदर, ऐसे स्मार्ट वॉच के अंदर ये फीचर्स मिलने वाली हैं। इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है और वीडियो लाइक जरूर कर देना यार। नो डिस्टर्ब सेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पिन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, एक स्मार्ट वॉच जिसके अंदर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हो आप। इसे जैसे ऑन करूंगा ना तो यहाँ पे आपको देख सकते हो एंटर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी पासवर्ड सेट नहीं है। तो इसे मैं अगर सेट कर दूंगा 8800, ठीक है, फिर से 8800 हमारा पासवर्ड लग चुका है स्मार्ट वॉच के अंदर। तो जैसे मैं होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ, पासवर्ड मैंने लगा रखा। अब मैं अगर कहीं भी जाने की कोशिश करूंगा ना तो ये हर जगह मुझे पासवर्ड मांगने वाला है, बिना पासवर्ड का कुछ ओपन होगा ही नहीं। एंटर करेंट पासवर्ड का ऑप्शन नजर आएगा। अगर मैं इस तरीके से क्राउन बटन दबाऊंगा मेन्यू जाने के लिए तो भी कुछ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड डालता हूँ तो देखो रॉन्ग पासवर्ड ये लिखने वाला है, और अगर मैं यहाँ पे सही पासवर्ड डालता हूँ तो देखो हमारा स्मार्ट वॉच ओपन हो चुका है। तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको सच में ट्रूली एक आपको पिन लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर पिन लॉक के नीचे आपको यहाँ पे टाइम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो सिंक पे आप इसे रख सकते हो। यहाँ पे आप इसे बंद करोगे तो खुद से भी आप यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। एंड टाइम फॉर्मेट यहाँ पे 12 आवर का भी फॉर्मेट दिया गया है। तो बहुत लोगों की शिकायत रहती है, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट को 12 आवर कैसे करे। इस स्मार्ट वॉच पे कोई टेंशन नहीं, आप इसे डायरेक्टली सेटिंग से सेट कर सकते हो। यहाँ पे अब इसके नीचे चलेंगे तो नीचे और मैं आपको क्या दिखाता हूँ, बेड साइड लैंप मोड का ये कुछ ऑप्शन है, पता नहीं कुछ होगा। कनेक्ट योर फोन का ऑप्शन है, पावर सेविंग मोड है, ऑफ पे किया हुआ है। अबाउट के अंदर मैंने आपको दिखा दिया था। रिस्टोर फैक्ट्री जैसे इसे आप करोगे तो स्मार्ट वॉच पूरा रिसेट हो जाएगा जो भी आपने सेटिंग्स कर रखा था। एंड लास्टली आपको पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये स्मार्ट वॉच बंद हो जाएगा। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। एंड अगर आप चाहोगे स्मार्ट वॉच के इन स्टाइल्स पे, इन मेन्यूज पे अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप बिना टच किए भी क्राउन को मूव करके भी इस तरीके से कुछ कर सकते हो, नीचे एंड ऊपर की तरह जहां आपको जाना है कुछ इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और एक अमेजिंग फीचर गाइस इस स्मार्ट वॉच के अंदर मिलता है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। जब इसके स्क्रीन टाइम आउट होकर ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगा ना तो इसका स्क्रीन आपका पूरा बंद नहीं होगा, आप ना इसके अंदर टाइम देख सकते हो हल्का सा। आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वजह से यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो आपको एनालॉग वॉच की तरह इसके जो नीडल्स देखने को मिल रहे हैं, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। काफी प्रीमियम स्मार्ट वॉचेज एंड स्मार्टफोन्स में आपको ये फीचर देखने को मिलता है जो आपको माइक्रोवेयर W57 के अंदर देखने को मिल रहा है। सो गाइज इस स्मार्ट वॉच को आपको अपने फोन से कैसे कनेक्ट करना है ना, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बहुत ही ज्यादा मेहनत से मैंने आपको इसके सारे फीचर्स, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, हर चीज बता रखा है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इसके ऊपर डेडिकेटेड ऐप के ऊपर आएगा कि कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हो, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो सब चीजें आपको बताने वाला हो, कैसे कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो, सबके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिलने वाला है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो। एंड एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको इसका ब्लूटूथ कॉलिंग भी टेस्ट करके दिखाऊंगा, कैसे आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो और किस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का क्वालिटी देखने को मिल जाता है। सो गाइस कंक्लूजन पे आते हैं। देखा आपने माइक्रोवेयर W57 स्मार्ट वॉच के अंदर कितने ज्यादा इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। जिस प्राइस पॉइंट में आता है ना ये 100% वर्थ इट प्रोडक्ट है। बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। एंड लुक एंड फील एंड जो भी चीज बोलूँ ना यार 100% जेरोक्स एप्पल वॉच सीरीज 7 का लग रहा है। बहुत ही अच्छा कॉपी है, फर्स्ट क्लोन, ये फर्स्ट कॉपी लग रहा है। इन हैंड फील की बात करूँ या फिर इसका लुक, डिजाइन एंड कलर्स एंड सब कुछ बात करूँ, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुकिंग ये स्मार्ट वॉच है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही डिटेल्ड वे में वीडियो बनाया है तो इस बात के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ। एंड जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसके ऊपर अभी और भी ज्यादा वीडियोज आने वाली है। इसके एप्लीकेशन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, इस पर ब्लूटूथ कॉलिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।